आप खैरियत? वो मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे आके मिल लूँ। मेरी याद? जी, आपकी याद। वैसे आप ना बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं सबसे आप। मेरा बस चले ना तो मैं तो आप पे किताब ही लिख दूँ। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मुझे आपसे पूछना था कि आपको किस किस्म की लड़कियाँ अट्रैक्ट करती हैं, प्रोफेशनल या फिर घरेलू? कभी इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं है। सर पर हर वक्त तो करियर बनाने का बहुत सवाल है, कभी इससे बाहर निकला तो जरूर सोचूंगा। वैसे आपको पता है, आपके साथ ना कोई दुबली पतली लंबी लड़की सूट करेगी, जो थोड़ी आउटगोइंग हो, वे कॉन्शियस हो, इस तरह की लड़की आप पे सूट करेगी। ये कोई मोटी लड़की आप पे सूट नहीं करने वाली, मैं बता रही हूँ ना आपको, ट्रस्ट करें आप मुझ पर। चलें, कभी ऐसा हुआ तो आपसे ज़रूर मशवरा लूँगा। डन। वैसे आपका स्टार क्या है? एक्वेरियस। रियली? यस, क्यों? क्योंकि मेरा भी यही स्टार है, और आपको पता है मेरी एक्वेरियन से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। मेरी भी बहुत बनती है। आपको पता है मेरा एक दोस्त था, सुहेल नाम था उसका, वो भी एक्वेरियस था, मेरी उसकी बहुत बनती थी। बस अचानक एक खबर आई कि हुंजा जाते उसका कार एक्सीडेंट हो गया। 2 दिन तक अस्पताल में रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरा और कोई दोस्त नहीं बना, और वैसे भी चंद लम्हों के लिए मिलने वाले दोस्त थोड़ी ना होते, ये तो बस लोग होते हैं। और क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जरूर, आप पूछती क्यों हैं? क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या आज से मैं आपकी पक्की दोस्त बन सकती हूँ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? सुफियान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो आज सारी हदें ही पार कर दी। बताइए ना क्या हो रहा है सुफियान, आप बता नहीं रहे क्या हो रहा है। नहीं नहीं मानूर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ मानूर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी नाजीन बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हकीकत क्या है? हाथ क्यों पकड़े हुए थे दोनों ने? हाथ पकड़े हुए थे? हाथ पकड़े हुए? हाँ, बताइए ना, हाथ हमने क्यों पकड़े हुए थे? मानूर को बताइए, हमने हाथ क्यों पकड़े हुए थे? हाँ, असल में नाजीन की शक्ल मेरी बहन से बहुत मिलती है, बस वो क्या बताऊँ आपको, पिछले साल मेरी बहन कार एक्सीडेंट में मर गई। आज उसका बर्थडे है और उसकी बहुत याद आ रही थी, सोचा उसको विश करूं। आप यकीन करें, जब मैंने नाजीन को उसकी फोटो दिखाई तो इनको भी हैरानगी हुई कि इनकी शक्ल बिल्कुल मेरी बहन से मिलती है, है ना? जब कभी भी उसकी बर्थडे होती तो वो मेरे पास आती और मुझे कहती, वीरे मैं पूरा 100 रुपया लेना तेरे को, और असि एक दूजे नू हाथ मिला के विश करांगे। बस उसकी याद में मैंने नाजीन से हाथ मिला लिया। क्यों नाजीन, है ना? हो गई तसल्ली, पड़ गई ठंड सीने में।